वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारी में जुटी हैं। इसी कवायद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। देखें भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने 5 चुनावी राज्यों के अपने प्रभारियों का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी की कमान संभालेंगे। इनके साथ ही राज्य में 7 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, शोभा करंदलाजे, विवेक ठाकुर, सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु और अन्नपूर्णा देवी। वहीं पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव प्रभारी बनने का मौका मिला है। यहाँ 3 सह प्रभारी बनाए गए, इनमें हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी और विनोद चावड़ा का नाम शामिल है। मणिपुर में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी बनाए गए। सह प्रभारी बनने का मौका प्रतिमा भौमिक और अशोक सिंघल को मिला है। उत्तराखंड के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी दी है। उनके साथ लोकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। गोवा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने के, मार्च अप्रैल के बीच इन जगहों पर चुनाव हो सकते थे। ऐसे में सभी सियासी दलों ने अभी से कमर कस ली है। अभी इन 5 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मिशन 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अनिल मोर, खबरें अभी तक।